जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रजदर्पण में। ब्रजदर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान कृष्ण, यशोदा मैया और नंद बाबा से संबंधित एक स्थान है जिसके हम आपको आज दर्शन कराएंगे। और जब मैं आपको दर्शन करने की कह रहा हूं तो उससे पहले आपको एक मेरा विनम्र निवेदन याद रखना पड़ेगा कि आप इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। और इस कार्य को जब आप करते हैं तो ये आपका पुण्य का कार्य होता है, इसको आप नहीं भूलेंगे। और जिस दर्शनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये कामा रोड गया है और हम नंदगांव के इस स्थान पर खड़े हैं जहाँ से कि हम आपको लेके चलेंगे उस अद्भुत जगह पर जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से, वात्सल्य प्रेम भरी लीलाओं से भरी हुई है, उसके हम आपको आज दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। राधे राधे सकते हैं। इस मुख्य द्वार पे हम यहाँ पर आ गए हैं और इसके बाद इसी से लगा हुआ मंदिर है जो कि उसी द्वापर समय का मंदिर है जिस समय नंद बाबा यहाँ लेकर आए थे कृष्ण कन्हैया को। तो नंदगांव, जैसा कि आप सब जानते हैं, नंदगांव भगवान कृष्ण के जो पिताजी हैं नंद बाबा, उनके नाम से ये नंदगांव पड़ा है। तो द्वापर के समय में आपने देखा होगा कि कंस के अत्याचारों से बचने के लिए नंद बाबा अपने सह परिवार और ब्रिश्वान बाबा राधारानी के पिताजी सह परिवार यहाँ पर आ गए। हम जिस पर्वत पर खड़े हैं ना, ये नंदेश्वर पर्वत है क्योंकि स्वयं भगवान शंकर के स्वरूप में इस पहाड़ पर विराजमान है और वो उस पर मंदिर है ये। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि द्वापर में गोकुल से यहाँ आने का कारण था कंस के अत्याचारों से बचने के लिए। यहाँ पर ऐसा श्राप था, इस पर्वत ऐसी रक्षा करता था उस समय कि कोई भी राक्षसी तत्व यहाँ नहीं आता था। तो उसी देख सकते हैं, ये मुख्य द्वार है और आइए आपको अंदर ले कर चलते हैं। की जय। जैसे इसमें हम एंट्री करते हैं आपको वो भाव वो नज़र आएगा इसमें कि किस तरह से ये मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और जानेंगे यहाँ के पुजारी जी से, पहले हम आपको दर्शन कराते हैं नंद बाबा के सह परिवार के। आइए आप अच्छे से दर्शन करिए, दर्शन के बाद हम इस महल की एक एक कड़ी को आपको बताएंगे। और नंद के लाला की जय। इसके अलावा और हम क्या दर्शन करेंगे यहाँ, ये बता देना। आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना मंदिर है और हाँ मंदिर मंदिर का आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर। काल कोटरी यानी कि जब कन्हैया ज़्यादा उदम करो तो मैया ने यहाँ में बंद करती हो, आप देख सकते हैं। अरे वाह, यहाँ में ठंडक है, इसके अंदर हमको ठंडक महसूस हुई है जैसे हम इसके अंदर आए। और ये देखिए कितना पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये देखिए बहुत सुंदर। मैया हमें दर्शनों में भी बड़ा आनंद आ रहा है और हमारे दर्शकों को भी आनंद आ रहा होगा, बहुत सुंदर से आप हमको बता रहे हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे आ गए मैया, ये देख रहे हैं आप, काल कोट दिखाइए ना एक बार। मैया ने स्वयं ही बनाया हुआ है कि याद कर नहीं है, डर जाए और ज़्यादा उदम नहीं करे, बहुत नटखट कर रहे हैं, बहुत नटखट। तो यशोदा महल के ऊपर जब हम आए हैं, काफ़ी हाइट पर ये मंदिर है, तो हम आपको नंदगांव के भी तो दर्शन कराते हैं। ये हमारे नंदगांव के दर्शन है, आप देखिए। जय हो, बोलो नंद के लाला की जय। ये हमारा नंदगांव है और नंदगांव के आप दर्शन कर रहे हैं ब्रजदर्पण चैनल के माध्यम से। अद्भुत गांव गोकुल से जब भगवान कृष्ण को लेके नंद बाबा यहाँ पर आए तो बाबा के नाम से ही नंद बाबा गांव पड़ गए हो जी। आनंद आया होगा क्योंकि मैं आज आपको द्वापर काल में लेके गया जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए, और उसी समय में श्री राधारानी के पिताजी ब्रिश्वान जी भी बरसाना में लेकर आए। तो यशोदा मैया को ये महल, ये वात्सल्य प्रेम को जो घर है, वहाँ के दर्शन आपने और हमने आज किए। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के चरणों